भी कोई फैट बोलता है ना, मोटी बोलता है, तो मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती है। फिर मुझे लगता है कि यार मुझे क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये गलत शब्द थोड़ी है। मैं हूँ मोटी, थिन को जैसे पतले को पतला बोला जाता है, मोटे को भी मोटा बोला जाता है, फैट इज नॉट अ बैड वर्ड। एक्चुअली मैं 11 साल से मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, और ये जो मैंने अभी प्लस साइज फैशन ब्लॉगिंग और मॉडलिंग और ये जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में मैं बात करती हूँ, ये मैंने लास्ट 9 महीने से शुरू किया है, करीबन 9 महीने से। मैंने किसी को डेट, मतलब आई स्टार्टेड डेटिंग समवन, ओके, एंड देन धीरे धीरे उसने मुझे बोला कि अच्छा ऐसा है ना कि यू नो इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी आई डोंट फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ओके, बिकॉज यू हैव अ अगली बॉडी, बट आपके जो बाकी के गुण है ना वो इतने अच्छे हैं ना जिसकी वजह से वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप 1 साल तक रहा, बट उसने जो मेरी कॉन्फिडेंस को हिला दिया था ना, ठीक है, मुझे ऐसा ना अपने आप से थोड़ा सा ऐसे लगता था कि यार क्या मैं इतनी मोटी हूँ, क्या मैं इतनी भद्दी हूँ कि एक लड़का मुझसे प्यार नहीं कर सकता है। तो ना मैं अपनी जूनियर जो मेरी है उसका नाम है रिया अरोरा, तो उस टाइम पे ना उस लड़की से मेरी बहुत बातें होती थी और वो मुझे बोलती थी कि अनंदिता आप इतना अच्छा ड्रेसअप करते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है, यार आप ये सब चीजों को हटाओ अपने दिमाग से और कुछ अच्छा करो ना, आप लोगों से बात करो, आप इंस्टाग्राम यूज करो, आप लोगों को बताओ कि मोटे लोग कैसे फैशनेबल हो सकते, मतलब कैसे फैशन को अपना सकते हैं। तो मैंने जैसे मैंने नॉर्म्स तोड़ना शुरू किया, फैशन नॉर्म्स, ठीक है, पहले तो इंस्टाग्राम में कि आप जरूर स्लीवलेस पहन सकते हो, आप जरूर व्हाइट कपड़े पहन सकते हो, मैं सिर्फ फैशन के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं काफी बॉडी पॉजिटिव हूँ, ठीक है, मुझे अपना बॉडी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ना बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते थे जिसमें से एक लड़की ने मुझे ऐसा बोला था कि उसकी जो सगी माँ है ना वो उनको बहुत परेशान करती है पतला होने के लिए, ये जो इतनी लड़कियां हैं जिनको इतनी ड्रेस पहनने में इतनी परेशानी होती है मोटापे की वजह से, ठीक है, वो आगे नहीं आ पाती क्योंकि उनको लगेगा कि कोई ड्रेस पहन लो तो लोग देख के हंस लेंगे। एक लड़का ना उसको ना मतलब परफेक्ट लड़की चाहिए होती है शादी करने के लिए, चाहे वो खुद मोटा हो या पतला। आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे ना, सारे लड़के जो मुझे मैसेज करते रहते हैं ना कि ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ यू आर सो हॉट, और वो ये सो, मतलब आप इनमें से किसी को अगर पूछ लो ना कि भाई तुझे इससे शादी करनी है, शादी तो नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि ये तो बहू होने के, बीवी होने की जो एबिलिटीज है, ठीक है, वो पूरे नहीं करती है। तो मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया है बट वो कभी पतला हो ही नहीं पाई हूँ मैं। अभी बहुत सारे ऐसे चीजें आई है जैसे कीटो विटो, इससे तो लोग मतलब काफी वेट लूज कर लेते हैं, बट मेरे से नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है, मतलब मैं अपने, मेरे को लगता है कि एक ही जिंदगी है, क्यों अपने आप को इतना कष्ट देना जब मैं अच्छी तो लगती हूँ, ठीक है, मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं ऐसा कभी मानती नहीं हूँ, बहुत पतला होना भी अच्छी चीज होती है ना ही बहुत मोटा होना भी अच्छी चीज होती है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको अगर वेट लूज करना है तो आप करो, पर मर मर के मत करो, डोंट ऑब्सेस ओवर इट। और एक तो बहुत जरूरी होता है, आप खुद का भी थोड़ा फन उड़ा लो, मतलब आप खुद का थोड़ा मजाक उड़ा लो ना, तो लोग आपके साथ हंस लेते हैं, ठीक है, फिर वो आपको चिढ़ाते विड़ाते हैं नहीं, ठीक है, दिस इज द बैड वे ऑफ डिफेंडिंग योर सेल्फ, ओके, बट आई थिंक इट वर्क्स इन इंडिया।